हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग लूसेंट स्पीडी का निचोड़, यानी साइंस के लगभग 45 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 5 है। तो लगातार वीडियो जा रही, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चनों को रटते हुए चलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए आप। तो गाइस, क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, साइंस का क्वेश्चन, एक चैप्टर है तरंग गति तथा ध्वनि। तरंग गति तथा ध्वनि से क्वेश्चन होने वाले 45 प्लस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए 45 प्लस। और आप सभी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही पीडीएफ फाइल चाहिए आप सभी लोगों को इस वीडियो क्या किसी भी वीडियो की चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ से बैक टू बैक पीडीएफ मिलती रहेगी आप सभी लोग, साइंस के क्वेश्चन है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप सभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का मात्रक इसमें पूछा जा रहा है। तो गाइस बताओ आप सभी लोग, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। 5 सेकेंड का टाइम ले लीजिएगा, बताइएगा। टाइमर नहीं लगाया आज मैंने। तो आवृत्ति का मात्रक गाइस क्या होता है, ये बताना आप सभी लोगों को। ओके, इसका राइट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति का मात्रक गाइस होता है हर्टज। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप सभी। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम किनके गुणों के प्रभाव से होता है, यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम जो होता है किनके गुणों के प्रभाव से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो सेकेंड का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, यानी जड़त्व और प्रत्यास्थता दोनों के प्रभाव से होता है यांत्रिक तरंगों का संचरण। देखिए गाइस, तीसरा क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, कैसी तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। ऑप्शन इसका फिलहाल जा रहा है डी के साथ, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बना है, चौथा क्वेश्चन क्या है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, कैसी होती है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव कैसी होती हैं। चौथे का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य, ठीक है। ज़्यादा टाइम सही चाहिए तो आप सभी वीडियो को रोक कर भी आंसर बता सकते हो, और कुल प्रश्नों में से बताने कितने करेक्ट कर पाए आप सभी। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको देखिए, ध्वनि तरंगें कहाँ संचरण नहीं कर सकती हैं, यानी ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 5th का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं पहुंच सकती हैं। गाइस ये RRB NTPC ग्रुप डी SSC पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, रेगुलर क्लास आ रही है, चैप्टर वाइज क्लास आ रही है, तो आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन करिए, चैनल पर जुड़ जाइए। जो बंदे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। ओके, देखिए गाइस क्या क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, ये पूछा जा रहा है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं कितनी प्रकार की होती हैं, तो 6th करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की होती हैं ध्वनि तरंगे, 3 प्रकार की होती हैं, आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, 7th क्वेश्चन क्या है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, तो ये अपश्रव्य तरंगे होती हैं। फिलहाल राइट है इसका अभी ऑप्शन नंबर बी, अपश्रव्य तरंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन लगाया मैंने। ज्वालामुखी भूस्खलन उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगें होती हैं, ज्वालामुखी और भूस्खलन और उल्कापिंड से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन फिलहाल सी करेक्ट है इसका, याद रखिए अपश्रव्य तरंगे। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या बना है, श्रव्य तरंगें यानी सोनिक वेव्स की आवृत्ति होती है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 9वें का करेक्ट है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं अपश्रव्य तरंगों की आवृत्तियाँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है, पराश्रव्य, अभी श्रव्य पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है पर पराश्रव्य, तो इसका राइट है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, याद रखिए इसको भी। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्या क्वेश्चन नंबर है, पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या फिर नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी भी नहीं सुनी जा सकती या फिर इनमें से कोई नहीं। 11 का करेक्ट जा रहा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती पराश्रव्य ध्वनियां या तरंगे नहीं सुनी जा सकती मनुष्य द्वारा, साधारण मनुष्य द्वारा। देखिए इसमें कितना बेटर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है, कौन सा ऐसा कथन है जो पराश्रव्य तरंगों के लिए सत्य हो। 12 का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल एबव, सभी हैं, याद रखिए, देख लीजिएगा वीडियो को रोक कर सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं,
चलिए देखिए ये क्या क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन कितना बेटर क्वेश्चन है। देखिए आप सभी, परासरब तरंगों का सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? परासरब तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गाल्टन ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, डाल्टन है गाइस, यहाँ पर गाल्टन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बना है, कीड़ों तथा क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तरंगे हैं, कौन सी तरंगे प्रयोग की जा सकती हैं जिससे कीड़े और क्षति पहुँचाने वाले तत्व दूर हो जाएं घर से? तो 14 का राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे, ए करेक्ट है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग हैं, अल्ट्रासोनिक में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग कौन सी? ए करेक्ट है, परासरब्ध तरंगे, ए करेक्ट है, याद रखिए। देखिए इसको क्या क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि मंद तीव्र सुनाई पड़ती है, मंद यानी कि धीम और तीव्र यानी कि अधिक सुनाई पड़ती है, वह लक्षण कौन है ध्वनि का? तो 16 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्रबलता है भाई, क्या है? प्रबलता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकते हैं? चमगादड़ की सुनने वाली क्षमता जो होती है कितनी आवृत्ति तक होती है? 17 का राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1,00,000 हर्ट्ज तक होती है, बहुत अधिक होती है, याद रखिए फिलहाल राइट ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक होता है डेसिबल, ऑप्शन बी करेक्ट है फिलहाल, ऑप्शन बी राइट है। देखिए इसे क्वेश्चन क्या बना है, 19 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है ये बता रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन बना है, साधारण बातचीत किस समय ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी तीव्रता होती है साधारण बातचीत करने का टाइम? 30 से 40 डेसिबल होती है, याद रखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, 30 से 40 डेसिबल। देखिए अगला क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगों की, ऑप्शन फिलहाल डी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए इसको क्या क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन क्या बनना है, पर देखिए आपसे, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, किस कारण से होती है अधिक तीक्ष्ण? 22 का अगर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तीव्रता के कारण तीक्ष्ण होती है, किसके कारण? तीव्रता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे प्रयुक्त ध्वनि है कितनी है? सबसे प्रयुक्त ध्वनि 45 डेसिबल है, ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका सी करेक्ट है, 45 डेसिबल। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल तक ध्वनि की प्रबलता स्तर संगत होगी, तो इसका राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ, 24 का यंत्र कारखानों के शोर से, ऑप्शन फिलहाल डी करेक्ट है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, निम्न में से किसका विभव प्रभाव ध्वनि की चाल पर निर्भर नहीं करता है? ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव निर्भर नहीं करता है? दाब का, ए ऑप्शन राइट है, करेक्ट है ए, याद रखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता की अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता, तो किसके ऊपर तक व्यक्ति नहीं सुन सकता? 95 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो है वो नहीं होती, ठीक, 95 डेसिबल तक होती है मनुष्य के सुनने की क्षमता, फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है, 27 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कितनी होती है? इसको 1/10 सेकेंड होती है, फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में चलती है ध्वनि सबसे तेज बताना है, उसका राइट आंसर सारा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठोस में चलती सबसे तेज ध्वनि, याद रखिए। ये क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? 20 सेंटीग्रेड जब तापक्रम होता है तो किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? 29 का राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ फिलहाल, लोहे में, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसको देखिए क्या क्वेश्चन बना है, ध्वनि वायु में ध्वनि की चाल होती है गाइस कितनी, 332 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड या फिर 232 मीटर पर सेकेंड, फिलहाल राइट ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको देखिए क्या क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? 31 का करेक्ट है ए, ध्वनि का परावर्तन, ए करेक्ट है, इसको भी आप सभी याद रखिए, प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए
परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर, याद रखिए इसको भी। 33 क्वेश्चन आज का क्या है इसको देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये परावर्तन पर आधारित होता है, इसका ए करेक्ट है, इसको भी आप सभी याद रखिए, परावर्तन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके सभी के लिए। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार जो है इसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर वर्क करती है, ये पूछा जा रहा है। तो रेडियो तरंगों का आवृत्ति पर डिपेंड रहती है, आधारित रहती है। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, देखिए इसको 35 क्वेश्चन क्या है। सोनार का अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, सोनार किस में प्रयोग में लाया जाता है? सोनार का यूज किस में करते हैं? नौ संचालकों में करते हैं। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको क्या क्वेश्चन है। मैक संख्या का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, मैक संख्या का यूज वेग के संबंध में किया जाता है। 36 का सी करेक्ट है, वायु के वेग संबंध में किया जाता है मैक संख्या का यूज। ए करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट है, इसको भी याद रखिए। देखिए आप सभी लोगों को कंटेंट समझ में आ रहा है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? 37 का सी करेक्ट जा रहा है, फिलहाल राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, डॉपलर प्रभाव उसको बोलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन लिया है मैंने इसको। देखिए डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग कौन से हैं? डॉपलर प्रभाव के अनुप्रयोग गए सभी हैं। फिलहाल राइट है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन नंबर डी। 39 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है इसको देखिए आप सभी। देखिए समीप आती हुई रेलगाड़ी सीटी या आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है या फिर किस घटना के कारण होता है? जैसे ट्रेन आ रही है तो रेलगाड़ी के जो हॉर्न होता है गाइस, ये आपस मतलब कि अपने आप की क्षणता आवृत्ति बढ़ती जाती है, किस कारण से होता है? 39 का राइट जाएगा, फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ती जाती है। तो गाइस याद रखिए बी करेक्ट है इसका। इसको देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग या फिर उपयोग राति दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो 40 का करेक्ट है सी, अवरक्त तरंगों का, सी करेक्ट है याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, और गाइस आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ फाइल इसकी मिल जाएगी, यानी सभी वीडियोस की फ्री में टेलीग्राम चैनल की, मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ से आप सभी लोगों को फ्री पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी ठीक समय समय पर। क्या क्वेश्चन है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है? निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण होता है आपका सोनार, क्या होता है? सोनार होता है, डी करेक्ट है याद रखिए। इसको देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें यहाँ पर खोज करता है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरर ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने। परावैगनी किरणों की खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने। दृश्य किरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम्स हर्सल ने। तो इसका राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, दृश्य किरणों की खोज गाइस हेनरी बेकुरर ने की थी, वो भी सन 1900 ईस्वी में। किस ईस्वी में? सन 1900 ईस्वी में हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी दृश्य किरणों की खोज, ना कि विलियम हर्सल के द्वारा ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, देखिए दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होती हैं, दूर संचार के लिए कौन सी प्रयुक्त तरंगे होती हैं? माइक्रोवेव तरंगे होती हैं, दूर संचार के लिए यूज की जाती हैं, राइट ऑप्शन नंबर डी गाइस। देखिए 44 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी लोग मैनेज करिएगा ठीक है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंगें, सीटी स्कैन की मतलब सीटी स्कैन जब किया जाता है उसमें प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो 44 का राइट जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ, एक्स किरणों का यूज करते हैं सीटी स्कैन करने में, किस किरणों का? एक्स किरणों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसको क्या क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें हैं, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? 45 का राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, एक्स किरण है, कितनी कौन सी किरण है? एक्स किरण है। तो 47 लगभग क्वेश्चन कवर कराऊंगा इस वीडियो में, तो आप सभी लोग बताइएगा 25 30 12 8 कितने करेक्ट कर पाए बताना आप सभी को ओके। 25 पे यानी 47/12 ऐसे भी बता देना आप सभी लोग कितने कवर कर पाए इस क्वेश्चन के इस वीडियो के अंदर। देखिए 46 क्वेश्चन यहाँ पर क्या, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग करते हैं? तो राइट जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, अवरक्त विकिरणों का यूज करते हैं। देखिए इस यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे होती है जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे होती हैं याद रखिए, बी करेक्ट है याद रखिए।